पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। एक बार देव ऋषि नारद ने यमराज जी से पूछा कि हे यमराज, शास्त्र कहता है कि एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, किंतु मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, क्या ये पाप नहीं है? क्या ऐसा करने वाले मनुष्य को नर्क में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहता है? कोई मनुष्य अनेक स्त्री से विवाह करता है, कृपया आप मुझे इस शंका से दूर करें। यमराज कहने लगते हैं कि हे देव ऋषि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। जो भी मेरी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 पाप माफ कर देता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य ही सुनाइए, जिससे मेरे सुनने के साथ साथ इस कथा को अन्य लोग भी सुन सके। तब यमराज उस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक नगरी में बहुत ही गुणवान, धनवान और रूपवान राजा राज करते थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा हमेशा उनके न्याय से संतुष्ट रहा करती थी, और वह राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करता था। प्रजा की सभी जरूरतों को पूरा करते थे। महाराज की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो कि सुंदर, गुणवान और चरित्रवान थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके सामने सब कुछ थे। केवल एक कारण से महाराज और महारानी और साथ ही उनकी प्रजा बहुत ही दुखी थी, क्योंकि महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज और महारानी हमेशा चिंता में रहते थे। प्रजा भी महाराज की ये दशा देख नहीं पा रही थी। अनेकों प्रयास करने के बाद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेकों पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, साथ ही दान धर्म और व्रत किए, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत ही प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। केवल एक पुरुष को एक ही स्त्री के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष उसकी खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है और घोर पाप करता है, तो वो हमेशा नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी सुकन्या भी प्रजा का यह दुख समझ जाती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है कि हे स्वामी, आप पुत्र प्राप्ति के लिए कृपा दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी यह करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूं, तो मैं भारी पाप का भागीदार बन जाऊंगा। मुझे भी नरक में ही जाना पड़ेगा, और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से संतुष्ट रह पाओगी? तब रानी महाराज से कहती है कि हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपनी सौतन को अपनी बहन की तरह प्यार करूंगी। कृपया आप ये काम करने में संकोच ना करें, मुझे इससे कोई भी दुख नहीं होगा। मैं आपको अपनी तरफ से विवाह के लिए सहमति देती हूँ। फिर महाराज कहते हैं कि हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा, जो कि एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ रहने में मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता हूँ। स्वर्ग लोक से महाराज के पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के ऐसे
व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हो। आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो मैं उसे अवश्य करूँगा। तभी भी पूर्वज कहने लगते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नर्क जाना पड़ेगा, हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि संतान के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मुक्ति मिल जाती है। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की यह बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा करो, हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा प्रदान करें। फिर यमराज उनसे कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि हे महात्मन, आप कौन हैं? किस कारण आप हमारे राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं कि हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पितरों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं विवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूँ। फिर यमराज कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण को देखकर और पत्नी के प्रति एक निष्ठता को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि ऐसे पुरुष की पत्नी उसे दूसरा विवाह करने के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं तो महारानी सुकन्या उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है।